अनुबंध शिक्षक संघ पीटीए ने सरकार से बजट सत्र तक सशर्त नियमितीकरण की मांग उठाई है। पीटीए अध्यापकों ने कहा कि हिमाचल सरकार 6000 से अधिक अनुबंध शिक्षकों के दुख दर्द को समझे। अनुबंध शिक्षक भेदभाव और राजनीति का शिकार हो रहे हैं। अनुबंध पीटीए शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष बोविल ठाकुर ने रामपुर में पत्रकार वार्ता में कहा कि यदि बजट सत्र में मामला न सुलझा तो वे प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। हिमाचल प्रदेश अनुबंध शिक्षक संघ पीटीए ने सरकार से हुई वार्ता के अनुसार बजट सत्र तक नियमितीकरण की मांग उठाई है। उनका तर्क है कि प्रदेश में 3 वर्ष के अनुबंध के बाद नियमितीकरण की नीति बनी है, इसके बावजूद उनसे भेदभाव किया जा रहा है। अनुबंध शिक्षकों के साथ राजनीतिक नजरिए से भेदभाव हो रहा है। अनुबंध शिक्षक संघ पीटीए के प्रदेशाध्यक्ष बोविल ठाकुर ने रामपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि शिमला में आयोजित रैली के दौरान मुख्यमंत्री से हुई वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा था कि 19 जनवरी की कैबिनेट या फिर 9 फरवरी से बजट सत्र में उनकी समस्या हल होगी। उन्होंने कहा कि यदि 9 फरवरी को उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो प्रदेश भर में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू किए जाएंगे। 15 जनवरी को हमने मांग रैली का आयोजन शिमला में किया था सचिवालय पे, और मुख्यमंत्री महोदय से लगभग 1.5 घंटे में काफ़ी सकारात्मक बातचीत भी हुई थी, और उन्होंने 19 जनवरी की कैबिनेट में हमें हमारी समस्या का समाधान का वादा किया था जो किसी कारणवश पूरा नहीं हुआ है। और उन्होंने साथ में ही अगर 19 को न हुआ तो बजट की बात की थी। मुझे ये लगता है कि बजट सत्र की और बजट में शामिल करने जैसा ये मुद्दा नहीं है। अगर फिर भी हम उनकी वाणी को सम्मान देते हुए 9 फरवरी को बजट आ रहा है तब तक वेट करेंगे और सरकार से बार बार मिलकर आग्रह भी करेंगे कि आप तब हमारा काम कर दें। अगर उसके बावजूद भी 9 फरवरी को ये नहीं होता है तो निश्चित रूप से 10 तारीख के बाद प्रदेश स्तरीय आंदोलन छेड़ा जाएगा। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेषज्ञ नेगी की रिपोर्ट।